ऑनलाइन पर दो मेहमान चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं, परिचय आपसे करवा देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका स्वागत करते हैं। और प्रदीप तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है। तिवारी जी, दुबे जी, शुरुआत आपसे होगी। पिछले 3 दिनों का अगर हम जिक्र करें तो ऐसे मामले निकलकर सामने आ रहे हैं जहां पर बच्चियां हैवानियत का शिकार हो रही हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि आरोपी कोई और नहीं, कहीं पिता है, कहीं भाई है। बड़ा सवाल कि इस तरह के मामले आखिर रुकेंगे कब, क्योंकि साफ तौर पर गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं ऐसे नर पिशाचों को फांसी के तख्ते तक पहुंचाया जाएगा। और जाहिर है कि प्रदेश देश में पहला ऐसा हमारा राज्य है मध्य प्रदेश जहां पर नाबालिग से रेप के मामले में फांसी का प्रावधान है। देखिए, जब से ये कानून बना है फांसी वाला, तब से एक और बात आपने देखी होगी कि बच्चियों का फिर मर्डर हो जाता है रेप करने के बाद। बिल्कुल, सबूत नष्ट कर देते हैं। तो कानून से ज्यादा इसमें जो आम आदमी की जागरूकता समाज में, और ये जो पागलपन की हद है, ये तो साइको आदमी ऐसे सब काम कर सकते हैं। इतनी छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप की घटना है, ये कोई सामान्य आदमी के वो नहीं है, ये सब साइको हुए। कहीं नशे के कारण, कहीं कोरोना काल में भी साइको पड़ गए हैं आदमी, क्योंकि लोग घरों में कैद रहे, किसी के आर्थिक नुकसान हो गया, तो फिर वो नशे में भी ऐसे प्रकार आ रहे हैं। शराब के अलावा कई प्रकार के नशे आ रहे हैं, जिसके कारण लोग की सोचने समझने की क्षमता समाप्त हो गई है। तो इसके लिए व्यापक स्तर पर परिवार समाज को भी जागरूक होकर, राजनीतिक दलों को भी इस तरह के जागरूक कैंप लगाए जाएं कि हम किस देश के वासी हैं, जहाँ देवी स्वरूप कन्या का पूजन होता है नौ दुर्गों में और बाकी किसी भी आयोजन में, और हम क्या करने जा रहे थे, क्या हासिल होने, केवल जिंदगी बर्बाद करने के अलावा कोई किसी को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ये बात सही है कि भय तो होना चाहिए अपराधी में, लेकिन भय के साथ साथ जब तक उसको जब समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहा है, तो एक तरह से साइको है जो ऐसे काम कर रहा है। तो अभी सबसे ज्यादा जरूरत है जो मनोचिकित्सकों की जरूरत मुझे लगती है। मैं देखता हूँ कि जो साइको डॉक्टर है राजधानी में, उनके यहाँ बहुत भीड़ पड़ रही है। जब मैं वॉक करने निकलता हूँ देखता हूँ तो ऐसे कई जगह, तो अभी बहुत ज्यादा जो संतुलन खोया हुआ है, बहुत सारे कारण है उसके। समाज में आडम्बर की जो प्रतिस्पर्धा बढ़ी, दिखावे का जो चलन बढ़ा, उसमें लोग कई बार देखा होगा आपने गर्लफ्रेंड के लिए चोरी रेस्टोरेंट ले जाते, बहुत सारी चीजें बढ़ गई। जो समाज जो पहले संतोष हुआ करता था, जो है उसी में संतोष है, और बहुत अभाव में जिंदगी, गांव के लोग एक एक जोड़ी कपड़ों में अपनी जिंदगी गुजार देते थे। यहाँ आज युवा वर्ग सुबह शाम कपड़े बदल के निकलना चाहता, बाइक बदलना, उसको गाड़ी बदलना, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो गई हैं। और खासकर जो सोशल मीडिया और जिस पे व्हाट्सएप है, आज सेहत सब उपलब्ध है, ऐसी ऐसी ब्लू फिल्म है और क्या क्या नहीं देख रहे हैं बच्चे, तो उसका भी एक असर होता है। तो एक समग्र जागरूकता की और समग्र रूप से एक अभियान चलाने की जरूरत है। सजा से डरते होते तो मौत के कानून से डर के कोई नहीं करता, कितने कानून में, बल्कि ये और होने लगा कि वो लड़कियों को मार और देते हैं जिससे ये सबूत मिट जाए। तो मुझे लगता है कि व्यापक स्तर पर जागरूकता की जरूरत है और लोगों के मानसिक इलाज की जरूरत है, और सरकार और पुलिस थोड़ा सा मुस्तैद रहे इसमें। कई बार तो घटनाएं समझ में भी आती हैं और हो जाती हैं। तो एक जो पहले जो पुलिस की गश्त हुआ करती थी, पहले जो अपराधियों के जलूस निकालते, अब कई चीजें मानव अधिकार आयोग आड़े आ जाता है कि आप जलूस निकालो या थाने में पिटाई, ऐसी बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो कई चीजें व्यवहार धरातल पर बहुत विचित्र होती जा रही है। तो अभी तो केवल यही है कि लोगों का जो मिलावटी खान पीन, नशा और तनाव है, उसके कारण साइको की जो संख्या बढ़ रही है, उसमें इस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं। कोई भी सामान्य जागरूक नागरिक इस तरह की छोटी छोटी बच्चियों के साथ ऐसी हरकतें नहीं कर सकता। बिल्कुल तिवारी जी।